चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दादरी घटना पर अफसोस जाहिर करके दुरुस्त काम किया, जबकि इसी को लेकर विपक्ष ने मोदी पर जमकर हमला बोल रखा है। राज बब्बर से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तुम्हारे साथ मौजूद है राज बब्बर साहब। राज बब्बर साहब, प्रधानमंत्री ने दादरी वाले मामले पर अफसोस जाहिर किया है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले करना चाहिए। देश को इस माहौल में पैदा बढ़ना ही नहीं चाहिए था, और कहीं ना कहीं उनसे देरी हुई है, जिसकी वजह से जो है पूरे देश के अंदर क्षोभ जो है प्रकट किया गया है। लेकिन जब उन्होंने बोल ही दिया तो इतना हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है? किस बात की हायतोबा? वो तो हायतोबा तो उनसे पूछना जिन्होंने बोला है। इसका मतलब उनसे इस बात को समझने की कोशिश की उन्होंने, उनको समझ में आ रहा है कि देश का रुख क्या है। सर, जो लालू यादव बयानों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोले, जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है सर? किधर है? अच्छा, अलग गाड़ी। तो राज बब्बर इस मामले पर कुछ नहीं बोलते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। चलिए, गुलाम नबी आजाद साहब है, लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दादरी वाले मामले पर बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, वाकई बिहार विधानसभा चुनाव का मौका है और इस मामले पर विपक्ष तूल देने में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। कैमरा मैन धर्मेंद्र के साथ आनंद मिताजी, मीडिया पटना। बात एक अच्छी खबर की, अगर आप रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इन छह शहरों में घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये गैस कंपनियों को भी मुहैया कराई जाएगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के जरिए ये काम किया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गेल और राज्य सरकार के बीच गैस कोऑपरेटिव अग्रीमेंट पर साइन किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और गेल के चेयरमैन बीसी त्रिपाठी भी मौजूद रहे। जेसीए पर साइन होने के बाद राज्य सरकार गेल को भूमि उपलब्ध कराएगी। गेल इस भूमि का इस्तेमाल केवल 5 मीटर नीचे तक पाइपलाइन बिछाने में करेगा। इसके बाद भूमि के मालिक भूमि का इस्तेमाल पहले जैसा कर सकेंगे। झारखंड में वाहनों के लिए गेल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी भी उपलब्ध कराएगा। इससे वाहनों से प्रदूषण कम होगा। वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएनजी की उपलब्धता पर एलपीजी सिलेंडर की जरूरत नहीं रहेगी। उपभोक्ताओं के घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाया जाएगा। और झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया। बताया आपको कि अभी जो अधिकार है वो पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए गए हैं। इसके तहत अब मुखिया, प्राथमिक और साथ ही साथ जो मध्य विद्यालय हैं उनके प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को भी आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल देंगे। मुखिया के जरिए ही अटेंडेंस का डिटेल भेजे जाने पर प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन के काम का भुगतान होगा। और झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने डॉक्टरों की अटेंडेंस और उन्हें आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल देने का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर डॉक्टर उपस्थित हो। मुखिया के जरिए इनकी उपस्थिति का डिटेल सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। इसी के आधार पर डॉक्टरों का वेतन भुगतान होगा। सिविल सर्जन को आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल जिला परिषद अध्यक्ष देंगे। प्रखंड स्तर पर पोस्टेड डॉक्टरों का आकस्मिक अवकाश प्रमुख देंगे और एएनएम को छुट्टी मुखिया देंगे। इनकी ओर से अटेंडेंस का डिटेल दिए जाने के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत हर महीने कम से कम एक बार हर एक विद्यालय में चल रहे मिड डे मील का मुआयना करेगी। इसके लिए हर वार्ड में एक समिति का गठन किया गया है और इसमें वार्ड सदस्य के अलावे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट मुखिया के जरिए ग्राम पंचायत भेजी जाएगी।